हेलो यूजर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज अपडेट विद द हेडलाइंस। इथेरियम मर्ज प्रोग्रेस कर लेता है 96% कंप्लीट, जिससे कि डेवलपर कंफर्म करते हैं फाइनल डेट ऑफ मर्ज। कार्डानो नेटवर्क पे 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेली ऐड होते हैं एज वासिल अपग्रेड एजेस क्लोजर। हुबी स्टेबल कॉइन HUSD डॉलर पैग हो जाता है 10% गिरने के बाद। अब बात करते हैं इथेरियम मर्ज की। जैसा कि हम सब जानते हैं, इथेरियम मर्ज का अनाउंसमेंट आया था कि फाइनल मर्ज सितंबर में हो जाएगा, और अगर इसकी प्रोग्रेस के बारे में बात करें तो 96.55% तक ऑलरेडी मर्ज की प्रोग्रेस कंप्लीट की जा चुकी है, जिससे कि देखा जा सकता है कि सितंबर में, जो कि इसकी फाइनल डेट रखी गई है डेवलपर से थ्रू 15 तक, ये मर्ज कंप्लीटली अपने आप को कंप्लीट करके प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इथेरियम डेवलपर्स की माने तो उन्होंने कंफर्म किया है कि वो फाइनल मेननेट टर्मिनल की जो टोटल डिफिकल्टी है उस पे उन्होंने ओवरकम कर लिया है, और जो भी उनका प्लान था मर्ज को लेके वो एज इट इज चल रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं आ रही। तो फाइनल डेट उनकी तरफ से रिलीज कर दी गई है, इस डेट तक उनका मर्जर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। इथेरियम के जो कोड फाउंडर है उन्होंने कंफर्म किया है कि जो एग्जैक्ट हैश रेट है उस पर डिपेंड करती थी डेट, और जो अभी हैश रेट चल रहा है वो 872.2 TH के करीब चल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा है, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि मर्ज जो है वो अपने गिवन टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। एंड एक तरह से ये एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपग्रेड होगा इथेरियम प्राइजेस में भी, और इसका जो ट्रांजिशन है वो ट्रांसफर होके प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांसफर हो जाएगा, एंड दैट इज अ गुड थिंग फॉर द क्रिप्टो मार्केट। अब बात करते हैं कार्डानो नेटवर्क पे ऐड करीब 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेली ऐड हो रहे हैं, जिससे कि उनमें नेटवर्क का बहुत अच्छा फॉर्म बनता जा रहा है। अगर कार्डानो नेटवर्क की बात करें तो इस पे करीब 3000 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगस्त में ऐड हुए थे। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस नेटवर्क है वो भी स्लो डाउन का कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा, इट मींस नेटवर्क अपना काम बहुत प्रॉपरली और अच्छे तरीके से कर रहा है। अगर अगस्त की बात करें तब से अब तक जो उसका रहा है करीब 19 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एवरेज ये एड ऑन कर रहा है, और 5 न्यू एडिशंस डेली इसमें आ रहे हैं, जो कि एक नेटवर्क को एक स्पीडी चार्ज दे रहा है। साथ ही अगर बात करें वासिल हार्ड फोर्क के होरिजन की, तो नेटवर्क कंटिन्यूसली बेनिफिट दे रहा है सितंबर 2021 से, मतलब कि एक तरह से इसकी प्रोग्रेस डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। साथ ही अगर देखा जाए तो उसके जो नोड्स हैं वो भी अपने सही पोजीशन पे हैं, एंड जो टेस्टर है वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी है इसकी ग्रोथ को देखते हुए। फाइनली ये कहा जा सकता है कि कार्डानो नेटवर्क पे जो ट्रेडिंग भी है, उसका जो नेटिव टोकन है वो भी एक अच्छे प्राइस पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं हुबी, जो कि एक हम सब जानते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज है। इसका जो स्टेबल कॉइन है HUSD हाल ही में 10% तक गिर गया, उसके बाद इसने डॉलर पैक रिगेन किया है। अगर देखा जाए तो स्टेबल कॉइन के बारे में माना जाता है कि वो उसका फ्लक्चुएशन ना के बराबर होता है, बट जिस तरह से स्टेबल कॉइन में भी कभी कभी हम फ्लक्चुएशन देखते हैं वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि क्रिप्टो मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई भी चीज़ें स्टेबल नहीं है, जैसे कि हमने ये इंसिडेंट टेरा लूना के साथ में भी देखा था। अगर बात करें हुबी की, तो इसका जो HUSD टोकन है, जो कि एक स्टेबल कॉइन है, वो हाल ही में 10% तक गिर गया। रिसेंटली उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो कुछ सेवरल अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे, जिसमें कि लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत है। ये सब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू बताया। साथ ही हुबी ग्लोबल, जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसके पीछे HUSD है जो उन्होंने इशू किया था स्टेबल कॉइन की तरफ से, ये डॉलर पैक हो गया विद इन 12 आवर्स। उसके बाद ट्विटर हैंडल के थ्रू उन्होंने इसके बारे में डिटेलिंग में ट्वीट भी किया और बताया कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई है, एंड आगे इनका क्या प्लान है वो भी डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।